दुर्ग के हनोदा में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6 गांवों से 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों को अपने भारतीय सांस्कृतिक व्यवहारिक ज्ञान, सफल व्यक्तित्व के आयाम और साथ ही देश दुनिया से जनरल नॉलेज के प्रश्न से बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होने का उद्देश्य लेकर दुर्ग ब्लॉक के ग्राम हनोदा के गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन यहाँ किया गया। इसके साथ ही इसमें अपने व आसपास के 6 गांव में किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक बच्चों को स्कूल स्तर पर प्रमाण पत्र, ब्लॉक लेवल में मेडल व मोमेंटो, साथ ही जिला और राज्य स्तर पर राशि देकर पुरस्कृत किया गया। परीक्षा में हनुदा के 116 बच्चे, कोडिया के 148, खमरिया के 29, भानपुरी के 32, पुरई व नवमंगल स्कूल के 144 व धनौरा के 199 मिलाकर कुल 718 बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजन के प्रभारी होमेश कुंभकार ने बताया कि अलग अलग गांव में परीक्षा लेने युवाओं की 6 टीम बनाई गई थी, जिन्होंने अलग अलग स्कूलों में जाकर परीक्षा आयोजित कराई थी। हमारे ग्राम हनोदा के गायत्री परिवार द्वारा आसपास के सभी गांव के स्कूलों में यहां पर भारतीय संस्कृति परीक्षा लिया गया, जिसमें करीब हनोदा, धनोरा, खमरिया, पुरई और भानपुरी और कोडिया, इन गांवों में लगभग 720 बच्चों ने भारतीय संस्कृति परीक्षा में भाग लिया। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता के मार्गदर्शन, डॉक्टर CL साहू जी के मार्गदर्शन में यह किया गया, जिसमें हमारे सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लोग सब गांव में जा जा के भारतीय संस्कृति परीक्षा लिए हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब इधर माहौल बना आसपास के गांव में संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति की परीक्षा को बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ इस परीक्षा को दिलाया। यह भारतीय संस्कृति परीक्षा हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा उनके मार्गदर्शन में की जाती है, जिसमें हनोदा के कार्यकर्ताओं ने, युवा युवतियाँ सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और बहुत ही शानदार तरीके से इस परीक्षा को सम्पन्न कराया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।